अलैक्म डे स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्रेट साइंस अकेडमी दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक डे स्टूडेंट्स आज हम गेस्ट पेपर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लास मैथमेटिक्स फेडरल एंड पंजाब बोर्ड्स चैप्टर नंबर टू सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर वन के इम्पॉटेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन की अगर किसी भी स्टूडेंट्स को वो लेक्चर नहीं मिल रहा तो इसी लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर वन का लिंक मौजूद है आप इसके ऊपर क्लिक करें और अपने पहले चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कोट करें जी तो डी स्टूडेंट्स सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर टोटल एम इस चैप्टर में हमसे एक एम पूछा जाएगा टोटल शार्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में हमसे तीन शार्ट क्वेश्चन पूछेगा और टोटल लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक पूछेगा टोटल जो नंबर है इस चैप्टर में वो हमारे पास ट्वेल्व होंगे यानी कि पंजाब बोर्ड का ये इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर है ट्वेल्व नंबर का पेपर इस चैप्टर में से लिया जाएगा अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल में एक एम पूछेगा और एक शार्ट क्वेश्चन पूछेगा और उनका शार्ट क्वेश्चन जो है वो चार नंबर का होगा तो इस तरह उनका पाँच नंबर का Uh, जो पेपर है इस चैप्टर में से पूछा जाएगा अगर वो एक लांग पूछता है तो आपका एक लांग जो होगा वो आठ नंबर का होगा तो इस तरह नाइन नंबर का जो पेपर होगा वो आपसे इस चैप्टर में से वो कंडक्ट करेगा जी तो डी ए स्टूडेंट्स ये मेरी आईडी है ए डाट कदीर फोटी एट इंस्टाग्राम की आईडी है ये इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर यही डिस्कशन करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव को लेकर परेशान हैं उनके लिए मेरे पास ऐसे नोट्स मौजूद हैं जिनको वो प्रिपेड कर लें तो जिस किस्म का भी आपके सामने एम आएगा आप उसको प्रिपेड अटम्प कर लोगे ठीक है जी तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे इंस्टाग्राम पे पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी है ए डॉट कदीर फोटी एट जो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है जीरो थ्री फोर वन फाइव एट थ्री एट फोर नाइन वन बजाते ख़ुद मैं रिप्लाई करूँगा और बजाते ख़ुद इन शह मैं आपको आ, इनके जो ऑब्जेक्टिव नोट्स होंगे वो शेयर करूंगा पंजाब और फेडरल बोर्ड के अलग अलग से हैं क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर इसलिए ये बात डिस्कस करता हूं कि जो स्टूडेंट्स भी नया स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देखेगा क्योंकि ये मैं समझता हूँ ज़्याद्ती होगी अगर एक अथेंटिक सोर्स मौजूद है सो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करें क्योंकि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल नहीं है सो डी स्टूडेंट्स अगर आप ट्वेंटी बाई ट्वेंटी नंबर लेना चाहते हैं सो लाजमी इन नोट्स को बाय कीजिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एक्सरसाइज टू पॉइंट वन के ऊपर इसके शार्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट वन एंड एट है जो कि पंजाब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है इसमें मैं कहता है जी राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट हमारे पास यानी कि इसका जो पार्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर का उसके अंदर सेट है जी ए कॉमा बी सी और जो हमारे पास एट पार्ट है उसके अंदर एक्स सच देट एक्स बिलोंग टू इसके हमने कोई से दो प्रॉपर सबसेट बताने हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू पार्ट इसका टू एंड फोर हैं जो कि पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें कहता है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट सेट हमारे पास है जी जिसके अंदर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फोर है जिसके अंदर हमें दो एलिमेंट दिए गए हैं ए कॉमा बी कॉमा सी थोड़ी सी मैं इस सेट के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन दूर कर दूं स्टूडेंट्स इसको तीन एलिमेंट पढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स ये तीन एलिमेंट नहीं है ये दो एलिमेंट है क्योंकि बी और सी एक सेट के अंदर मौजूद है और यहाँ पे अगेन एक सेट है तो उसका एक एलिमेंट कंसीडर किया जाए तो इस तरह इसके अंदर दो एलिमेंट है तो आपने दो के लिहाज से उसके पावर सेट बनाने हैं नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज टू पॉइंट टू शार्ट क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के लिए जी क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन एंड फोर फाइव जिसकी स्टेटमेंट ये है जी कहता है जी एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम्स इसका पार्ट नंबर वन है जी ए इज द सबसेट ऑफ बी और इसका पार्ट नंबर फाइव है जी ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हमें वो कहता है जी शो दैट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम वेन ये फेडरल के लिए भी इंपॉर्टेंट है मैं भी लिखने वाला ना लिख सका हूं लेकिन मैंने उसे बताया था ये फेडरल के भी है पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें आ, हमें कहते हैं जी एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट हों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर सिक्स है पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये जी लेट यू इज़ इक्वल टू हमें जो एंट्रीज दे दिए गए हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वन से टेन तक और हमारे पास सेट ए जो है वो इवन uh, नंबर का सेट है और बी जो है वो हमारे पास uh, एक फर्स्ट फाइव नंबर नेचुरल नंबर का सेट uh, है एंड सी जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर का सॉरी आठ नंबर का सेट है हमें उसने कहा फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंटेंट इसका पार्ट नंबर है पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पंजाब एंड फेडरल बोर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें हमें कहता है यूज द वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका पार्ट नंबर वन पार्ट नंबर टू है जी ए माइनस बी यानी कि ये है डिफरेंस होता है का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री शार्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट ए इंटरसेक्शन इंटू एनियन बी इज इक्वल टू एनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी पार्ट टू है जिसका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इन ए यूनियन बी नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव जो कि फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ वेन डाग्राम वेरीफाई टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन फॉलोइंग केस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन पार्ट वन है जी हमारे पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम सेट एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट पार्ट नंबर टू है जी एंड बी आर ओवरलैपिंग बी एंड सी आर ओवरलैपिंग बट ए एंड सी आर डिसंट सेट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन का पार्ट वन एंड फोर है पंजाब एंड फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये यूज वेन डायग्राम वेरीफाई दिजल्ट सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नाइन का पार्ट वन है जी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ये इफ है इफ एंड ओनली इफ नहीं है

क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट थ्री पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द कंडीशन इनमें से दो पूछेगा या कन्वर्स इनवर्स पूछ सकता है या कन्वर्स कंट्रा पॉजिटिव वटेवर इनमें से तीनों में से कोई से दो वो पूछेगा सो so, यहाँ पे हमें जो कंडीशन यानी कि स्टेटमेंट दे दी गई है सॉरी कंडीशन कंडीशन यह है जी नगेशन पी एम्प्लायज नगेशन क्यू ठीक है जी इसका पार्ट नंबर ये थ्री है क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर थ्री पंजाब एंड फोडल बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में हमें ये कहता है जी कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट स्टेटमेंट ये है जी निगेशन इनटू पी इंप्लाइज क्यू बाई कंडीशनल पी एंड निगेशन क्यू नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट थ्री एंड फोर हैं जिसकी स्टेटमेंट ये है जी शो दैट द स्टेटमेंट इज टलोजीज सो निगेशन इंटू पी इम्प्लाइज़ क्यू इम्प्लाइज़ पी पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है निगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज़ निगेशन क्यू फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फोर है लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन नंबर फाइव फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है शो दैट पी आर निगेशन पी एंड क्यू आर पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी आर इंटू निगेशन पी एंड नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये एक्सरसाइज है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव दैन कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो वन है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू यूनियन बी जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि हमारे पास फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी ए यूनियन टू बी इंटरसेशन सी इज इक्वलियन बी इंटरसेशन फंक्शन सेकेंड इंटू फंक्शन थर्ड फंक्शन फोर्थ वन वन एंड आन टू फू फंक्शन फिफ्थ हमारे पास वन वन एंड ऑन टू फंक्शन और डी एस क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू एंड फोर पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें कहता है जी फॉर ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइंड द रिलेशंस इन ए स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशंस हमें इसका पार्ट टू जो गियन है वो कहता है जी एज इक्वल टू सेट है हमारे पास ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज वल टू फाइव और हमारे पास दूसरा रिलेशन है ऑर्डर पेयड के अंदर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन फाइव नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट नंबर फोर एंड फाइव पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन हमने इसके अंदर इन्वर्स निकालें जी ऑर्डर पेड के अंदर एक्स कामा वाई सच दैट वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वैन एक्स लेस ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो नेक्स्ट हमारे पास uh, जो पार्ट फाइव है उसके अंदर पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जी ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स स्केर प्लस वाई स्केर इज इक्वल टू नाइन मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू थ्री एंड मॉड ऑफ वाई लेस देन आर इक्वल टू थ्री नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज टू पॉइंट सेवन शार्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास एग्जाम्पल फाइव पेज नंबर सिक्सटी फाइव पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है शो दैट वन कामा ओमेगा कॉमा उमेगा स्केर वेन उमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन इज क्लोजर मल्टीप्लीकेशन शार्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सिक्स पेज नंबर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है गिवन द टेबल फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिटिव क्लासेज मॉडुलस फाइव मॉडुलस फाइव का हमने यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करना है अंडर एडिशन क्वेश्चन नंबर फोर पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज कह प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिटिव क्लासेज मॉडुलस फोर नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज टू पॉइंट एट शार्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं जी ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या है जी ग्रुपाइड की क्या डेफिनेशन हो सकती है सेमी ग्रुप मोनाइड ग्रुप और स्टूडेंट्स ये इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रूफ है रिवर्स लॉ ऑफ इनवर्स ये आपके आई थिंक सो पेज नंबर होगा सेवनटी सेवन के ऊपर ये आ, प्रूफ इसका मौजूद है आपने पंजाब बोर्ड के लिए इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जी पेज नंबर सेवनटी सेवन फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके में हमें यह कहते हैं इफ़ जी बाइनरी अपरेशन इज अ ग्रुप विद ई इट्स आइडेंटिटी देन ई इज़ अ यूनिक नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम पेज नंबर सेवेंटी एट फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट यह है जी इफ जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू ग्रुप जी देर इज अक इन वर्स ऑफ ए इन जी नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज टू पॉइंट एट लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है सेट वनगामा उमेगा स्केयर वेन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन फेडरल बोर्ड शो दैट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ द्लस के रूट थ्री बी वेन ए कॉमा बी बिंग रैशनल इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू अडीशन यह सिर्फ फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टेन फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जी प्रूव दैट ऑल टू क्रॉस टू नॉन सिंगुलर मेट ओवर द रियल फील्ड फ्रॉम अ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन सो डी स्टूडेंट मैंने हर क्वेश्चन के आगे जो बोर्ड थे पंजाब के थे क्वेश्चन उसके आगे पंजाब फेडरल जो दोनों लिहाज से मैंने ये बातें बताई अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर टू के डीए uh, स्टूडेंट्स अगर सब्जेक्टिव के अंदर ड्यूरिंग प्रिपरेशन इन एग्ज़ाम के uh, दौरान आपको किसी क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का कोई इशू होता है तो डी स्टूडेंट्स आप मुझसे लाजमी कॉन्टेक्ट करें इन शबारक ताली मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ